The next example related to character data types. जैसा कि मैंने आपको बताया था characters को initialize करने के लिए total java में 3 approach available हैं, either by directly single quotes or by in the form of ASCII value or in the form of Unicode representation. Unicode representation के केस में आपको बोला था Unicode representation always start किससे हुआ slash u. Clear first things. नेक्स्ट वन इसके अंदर एग्जैक्टली मीन्स डिजिट्स कितने होना चाहिए 1 2 3 4 मीन्स एग्जैक्टली 4 डिजिट्स होना कंपलसरी आफ्टर स्लैश यू. अगर आप सेम केस में असाइनमेंट कर दो लाइक दैट लाइक अ जेड इक्वल्स टू स्लैश यू यू स्मॉल भी यूज कर सकते हैं और अपर केस देन मैटर. देन मैंने डायरेक्टली अगर इनिशियलाइज किया 4 1 इट इज इनवैलिड यूनिकोड कैरेक्टर्स मीन्स यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर हेक्साडेसिमल के टोटल कितने डिजिट्स रिप्रेजेंट होंगे 4 डिजिट्स प्लस डिजिट्स किस फॉर्म में होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू. हेक्साडेसिमल्स के अकॉर्डिंग अलाउड डिजिट्स क्या होंगे फ्रॉम बिटवीन 0 to 9 एंड a to f आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो अपर केस डजंट मैटर. दिस इज द यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन. तो इसके इसमें फाइनली असाइन जेड के लिए मीन्स टोटल 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड. All are local variables. Therefore, it is created inside stack area X. X के लिए इसमें आसान क्या हुआ A. A is equivalent to 65. तो इस प्लेस पर आसान क्या हुआ बाइनरी नंबर ऑफ 65. मीन्स A के रिस्पेक्ट में आसान क्या हुआ रियल में बाइनरी नंबर ऑफ 65 इन द फॉर्म ऑफ 2 बाइट्स. इस लाएगा 0 0 0 65 का बाइनरी क्या आएगा 0 0 0 0 0 1 लाइक दैट. इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इस प्लेस पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ बाइनरी वैल्यू ऑफ ए आस्की वैल्यू ऑफ ए विच इज 65. मीन्स रियल में इस प्लेस पर क्या स्टोर होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65. नेक्स्ट वन वाई वाई के केस में भी क्या आसान हुआ डायरेक्टली 65. जेड जेड के केस में भी क्या आसान होगा इक्वलेंट टू 65. मीन्स ये 4 1 इटसेल्फ क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू और 4 1 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो उसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ बेस ऑफ हेक्साडेसिमल 16 टू द पावर 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1. 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. इट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 65. मीन्स तीनों के लॉजिकल मीनिंग कैसे एग्जैक्टली सेम. देन इसके बाद आउटपुट में स्पीकर आया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एलन. फर्स्ट केस में क्या पास किया एक्स फर्स्ट केस में एक्स. देन एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 65. लेकिन इस केस में याद रखना अगर आप डायरेक्टली इस प्लेस पर 65 पास कर दो देन ही कंसीडर क्या होता है इंटीरियर नंबर इसलिए डिस्प्ले किया था 65. लेकिन करेंटली जब प्रिंटलन मेथड कॉल हुआ तो इस केस में चेक करेगा एक्स का टाइप क्या. मीन्स प्रिंटलन के कई सारे ओवरलोडेड वर्जन अवेलेबल जो कि मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग आईओ कॉन्सेप्ट. लेकिन अभी फिलहाल याद रखना वैल्यू जिस टाइप का वेरिएबल पास करो सेम फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा. अगर इंटीरियर नंबर पास करो देन इंटीरियर कैरेक्टर पास करो देन कैरेक्टर. तो यहाँ एक्स का टाइप क्या कैर इसलिए 65 डिस्प्ले ना होगा डिस्प्ले क्या होगा इट्स कैरेक्टर वैल्यू ए. सेम है वाई के केस में भी डिस्प्ले क्या हुआ वाई का कैरेक्टर वैल्यू ऑल्सो ए. सेम है जेड के केस में भी क्या है ऑल्सो ए. दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम्स. वन मोर केस या जेड के प्लेस पर या एक्स के प्लेस पर जरूरी नहीं आप एक्स पास करो. अगर एक्स के प्लेस पर मैं अदर थिंग क्या पास करता हूँ लाइक एक्स के केस में बात करें तो एक्स का यूनिकोड वैल्यू क्या है जनरली एक्स स्मॉल एक्स की आस्की वैल्यू की बात करें आस्की वैल्यू क्या है इसका आई थिंक 120. आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स इज 120. देन अगर इसके यूनिकोड वैल्यू आप हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालोगे 120 मुझे जस्ट चेकआउट क्या करना इट्स यूनिकोड वैल्यू. मीन से इसी प्लेस पर इसको राइट करने का यूनिकोड फॉर्मेट क्या होगा 16 आई थिंक रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 8 सही है. क्या आएगा इस केस में फाइनली 7 8. लेकिन इसको यूनिकोड में रिप्रेजेंट करना तो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन में कंप्लीट करने के लिए कितने डिजिट्स होना चाहिए 4 डिजिट्स प्लस स्टार्ट किससे हो स्लैश यू. मीन जहाँ मैंने प्रीवियस केस में एक्स राइट किया था एक्स के प्लेस पर डायरेक्टली एक्स का यूनिकोड वैल्यू भी राइट डाउन करना पॉसिबल है इट इज ऑल्सो सेम एज एक्स. स्पेशली याद रखना एक्स डायरेक्टली पास हो रहा है इसलिए यूनिकोड वैल्यू भी डायरेक्टली पास होगा. इस प्लेस पर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो स्लैश मीन्स ए इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोड इसलिए मैनुअली क्या पास किया सिंगल कोड के फॉर्म में. मीन्स अगर आप कोई भी यूनिकोड वैल्यू सिंगल कोड में राइट करोगे इन करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिप्लेस भी किस फॉर्म में होगा सिंगल कोड्स के फॉर्म में. और अगर आप डायरेक्टली पास करोगे तो डायरेक्टली रिप्लेस क्या हुआ
एज अ वेरिएबल्स और एज अ सिंबल, क्लियर।